The question says, for the reaction N2O5, 2 gives 2 NO2 plus half O2, the value of rate of disappearance of N2O5 is given as 6.25 into 10 ki power minus 3. The rate of formation of NO2 and O2 is given respectively as. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि N2O5 हमें दे रहा है ऑन रिएक्शन 2 NO2 प्लस हाफ O2, ठीक है. इसे बोला है डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 का जो रेट है उसकी वैल्यू गिवन है 6.25 इनटू 10 की पावर माइनस 3. अब हम केमिकल काइनेटिक से रेट का एक्सप्रेशन लिखे तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 dt इज इक्वल टू 1/2 ऑफ dNO2/dt. स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को कंसीडर करते हैं एंड 2 dO2/dt, ठीक है. अब हमें क्या बोला है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2 फाइंड करना है. तो ये जो dx/dt वाला टर्म है यही हमारा बेसिकली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 है. तब हम एक एक करके एक्सप्रेशन लेते हैं. तो यहां से हम देखें माइनस डी एन टू ओ फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी एन ओ टू बाई डी टी, ठीक है. इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 6.25 इनटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है. तो यहां से हमारा ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 डी एन ओ टू बाई डी टी. अब हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ टू यानी कि हमें डी एन ओ टू बाई डी टी चाहिए. तो यहां से हमारा डी एन ओ टू बाय डी टी क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ टू 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. अब हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2. तो हमें पता है माइनस डी एन टू ओ फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू 2 डी ओ टू बाई डी टी, ठीक है. तो अब हमें पता है ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और हमें क्या चाहिए, डी ओ टू बाई डी टी. तो हम ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा एंड हमें ये क्या मिल जाएगा, डी ओ टू बाई डी टी यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू. यहां से कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू क्या आ जाएगा, 3.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 3.125 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 1.25 हमने कैलकुलेट किया एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज 3.125. तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन का क्वेश्चन है. द क्वेश्चन सेज लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन्स बाय ऑक्सीडेशन क्रैकिंग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर और हाइड्रोलिसिस. तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब हम लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं गैसेस हाइड्रोकार्बन में तो वो किस प्रोसेस से होता है, ठीक है. जो दो सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग हायर हाइड्रोकार्बन्स विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इंटू अ वेराइटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स carbons that are more volatile and have low boiling point. This process is known as pyrolysis or cracking. This process is known as pyrolysis or cracking. और ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन है उनको इंक्रीज कर देता है जो कि हमारे गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और जो हमारे हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बेसिकली हमारे लिक्विड और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. और इस पायरोलिसिस प्रोसेस से क्या होता है, पायरोलिसिस और क्रैकिंग प्रोसेस से क्या होता है, जो हमारे रिलेटिव अमाउंट
अमाउंट ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन होता है वो इंक्रीज कर जाता है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेस, सो द लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ एशियस हाइड्रोकार्बन्स बाय क्रैकिंग. ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आयंस द सेंट्रल एटम्स हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो इस क्वेश्चन पूछे कि कौन सा सेंट्रल किस ऑप्शन में सेंट्रल एटम के पास दोनों के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. तो पहला क्या गिवन है, NO2 माइनस NNH3. तो हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए हम स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे. स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर. ठीक है, Na2 माइनस में क्या होता है, N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर. ठीक है, बॉन्ड पेयर में हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं, तो 1, 2, 3 स्टेरिक नंबर इसका 3 है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमें क्या गिवन है, अमोनिया NH3. NH3 में क्या होते हैं, 3 NH बॉन्ड होते हैं और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है. ठीक है, अब इसका स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 फोर स्टेरिक नंबर है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3. फर्स्ट में NO2 माइनस में तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन NH3 में sp3 है, तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट, क्योंकि हमें दोनों ही sp2 चाहिए. नेक्स्ट बोल रहे हैं BF3 एंड NO2 माइनस. NO2 माइनस में तो sp2 है, BF3 का हम देखते हैं. बोरोन के वैलेंस शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, और वो BF3 फ्लो ये 3 BF बॉन्ड्स बनाते हैं. ठीक है, इसका स्टेरिक नंबर होता है 3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2. तो BF3 और NO2 माइनस में भी दोनों के पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए ऑप्शन 2 हो गया करेक्ट. ठीक है, NH2 माइनस एंड NH2O. ठीक है, NH2 माइनस का हम देखेंगे, NH2 माइनस में तो NH2 माइनस में क्या होगा, N के ऊपर 2 डबल बॉन्ड है, होल के ऊपर -1 चार्ज है. ठीक है, इस पे भी होल के ऊपर -1 चार्ज था. ठीक है, और 2 NH बॉन्ड है. ठीक है, इसका स्टेरिक नंबर क्या है, 4, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, यानी कि एक पे तो sp3 है और H2O में क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होता है और 2 हाइड्रोजन होता है. ठीक है, अब यहाँ पे स्टेरिक नंबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी कि sp3. इसमें तो दोनों पे sp3 ही है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा हो गया इनकरेक्ट. अब नेक्स्ट बोल रहा है BF3 एंड NH2 माइनस. तो BF3 में देखिए, तो BF3 में भी स्टेरिक नंबर हमने कैलकुलेट किया, 3 आया. तो BF3 के ऊपर sp2 है हाइब्रिडाइजेशन बोरोन का, और NH2 माइनस में नाइट्रोजन के ऊपर हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द फिनोमेनन ऑफ म्यूटर रोटेशन. म्यूटर रोटेशन में क्या होता है कि अगर फ्री हेमीसेटल या हेमिकेटल ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज हेमिकेटल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो वो म्यूटर रोटेशन शो करता है. तो इसके इन चारों में से हमें पता है जो से सुक्रोज है हमारा, वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और इसके अंदर जो क्या है, हेमी एसिटल और हेमिकेटल ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज है. हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर लिंक्ड थ्रू ऑक्सीजन एटम. ठीक है, ये इस लिंकेज की वजह से क्या है, ये जो हमारा हेमी एसिटिल और हेमी कीटल ग्रुप है ये फ्री नहीं रहता है, और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री हेमी एसिटल और हेमी कीटल ग्रुप सुक्रोज हमारा म्यूटर रोटेशन शो नहीं करता. इट डजंट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फिनोमेना ऑफ म्यूटर रोटेशन प्लस सुक्रोज डज नॉट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ म्यूटर रोटेशन.
Hence, option 1 is the correct option and the required answer for this question. Question says, which one of the following species does not exist under normal conditions? तो हमारा कौन सा स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो ये क्वेश्चन हम एमओटी से सॉल्व करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से. जिस भी स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाएगा वो स्पीशीज हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जीरो यानी कि मतलब उसके अंदर कोई बॉन्ड ही नहीं है, इसलिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो पहला है बेरिलियम 2+. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4. ठीक है, तो एक बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए प्लस 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करवाया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन. ऑल्सो अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s1. और हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होल डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अब यहाँ पे हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने 1 2 3 3, 4 - 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1 / 2 इट गिव्स 0.5, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, तो ये तो हमारा एग्जिस्ट करता है. सेकेंड हमें गिवन है बेरिलियम 2, तो हमें पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 5, एटॉमिक नंबर होता है 4, तो एक बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दो बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है. इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने 1 2 3 4, 4 - 4 डिवाइडेड बाय 2. इसका तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब जिस भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आता है वो तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हमारा बेरिलियम 2+ एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो जीरो है. अब हम बाकी 3 एटम्स के लिए भी, मॉलिक्यूल्स के लिए भी चेक कर लेते हैं. थर्ड हमें गिवन था बोरोन 2, तो बोरोन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन क्या होता है 5, यानी कि एक बोरोन में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो बोरोन में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो बोरोन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px1, पाई 2py1. अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने 1 2 3 4, 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 और 2 / 2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1. अब इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो ये तो हमारा एग्जिस्ट करेगा. लास्ट फोर्थ हमें गिवन था लिथियम 2, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, यानी कि एक लिथियम में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो लिथियम में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2. ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 2 3 4, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ, 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा, तो ये भी हमारा एग्जिस्ट करेगा. अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि कौन सा हमारा स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारा कौन सा स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन में जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा, तो हमने देखा सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम 2 ऐसा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है, सो बेरिलियम 2 विल नॉट एग्जिस्ट. हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अब्सॉर्ब विजिबल लाइट. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट का बेसिकली एक ही कंसेप्ट होता है कि अगर अवेलेबिलिटी ऑफ डी अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स होता है तो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आयन विजिबल लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा. अवेलेबिलिटी या प्रेजेंस ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन. पहला क्या गिवन है, फर्स्ट हमें गिवन है NiCN4 2-. यहाँ पे निकल हमारा 2+ के फॉर्म में है एंड यहाँ पे इसका कॉन्फिगरेशन क्या है, आर्गन 3d8. ठीक है, अब हमें पता है कि CN जो है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये क्या करवाएगा, ये पेयरिंग करवा देगा, इट विल
पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसकी वजह से NiCN4 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, तो इसलिए ये हमारा विजिबल लाइट अब्सॉर्ब नॉट अब्सॉर्ब विजिबल लाइट, ठीक है। वही हम बाकी देखें, NH3 H2O हमारा लिगेंड है, ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्गली फील्ड लिगेंड होता नहीं है, ठीक है। CrNH3 6O3+ में हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, FeH2O होल 6 2+ में हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही NiH2O होल 6 2+ में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बाकी 3 तो हमारा विजिबल लाइट अब्सॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन NiCN4 होल 2 माइनस नहीं कर पाते क्योंकि इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिवन अ साइक्लोहेक्सेनॉल एसिटिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर विल बी। तो इन चारों में से तो जो हमारा 2,4-6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल है, ये तो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर NO2 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, जिसकी वजह से इनके अंदर जो रेजोनेटिंग नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट। इसलिए जो हमारा थर्ड कंपाउंड है वो तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। ऑल्सो इसका पीकेए जो होता है, पीकेए की वैल्यू 0.4 होती है, और हमें पता है पीकेए लोअर, जितना पीके हमारा कम होगा उतना स्ट्रॉन्गर हमारा एसिड होगा, और ऑल्सो हमारा जो एसिड करेक्टर है, एसिडिक करेक्टर है, वो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अनायन पे डिपेंड करता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ अनायन अनायन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब इसके बाद हम फिनॉल में देखें, तो जब फिनॉल अपना एसिडिक हाइड्रोजन का रिमूवल करवाएगा तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये भी हमारा रेजोनेंस करेगा, तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल के बाद हमारा फिनॉल होगा जो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब हम देखें फिनॉल और एसिटिक एसिड में, ठीक है, फिनॉल हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल से ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा एसिडिक होगा ड्यू टू रेजोनेंस फिनोमेना, ठीक है। एसिटिक एसिड में क्या होगा, एसिटिक एसिड का पीकेए 4.8 होता है, जब ये अपना H+ लूज करता है तो इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंट करता है दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में, यानी इसके अंदर क्रॉस कंजुगेशन होता है, इसकी वजह से हमारा एसिडिक एसिड फिनॉल से भी ज्यादा स्टेबल एसिडिक हो जाता है, तो सबसे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल के बाद हमारा एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रेजोनेंस होता है दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में होता रहता है, इसके अंदर क्रॉस कंजुगेशन होता है जिसकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है फिनॉल की तरह, ठीक है। लेकिन पिक्रिक एसिड से ज्यादा नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि पिक्रिक एसिड में हमारे पास 3 नाइट्रो ग्रुप्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड हो गया। उसके बाद हमारा फिनॉल आता है, फिनॉल इसलिए आता है क्यों, क्योंकि फिनॉल हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल से ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस हो रहा होता है, साइक्लोहेक्सेनॉल में रेजोनेंस नहीं हो रहा होता। ऑल्सो फिनॉल का पीकेए 10 है और साइक्लोहेक्सेनॉल का पीकेए 16 है, और जितना लोअर पीकेए होगा उतना हमारा एसिडिक होगा। तो सबसे पहले हमारा फिनॉल होगा, देन उससे कम हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल। सो द करेक्ट ऑर्डर इज थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ अ पीएच ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaOH होल ट्वाइस इज 12 देन द वैल्यू ऑफ इट्स केएसपी इज। तो इसे बोल रहा है कि हमें पीएच गिवन है BaOH होल ट्वाइस का, तो हमें बताना है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, केएसपी की वैल्यू क्या होगी। तो BaOH को जब OH होल ट्वाइस को जब हम डिसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, Ba2+ + 2OH-, यानी कि ये होगा S एंड 2S, एंड यहाँ से इसका KSP क्या हो जाएगा,
एस इंटू टू एस का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो पीएच है वो 12 है, और हमें पता है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है, तो यहाँ से 12 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, यानी कि पीओएच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 14 माइनस 12 2। ठीक है, अब पीओएच क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ओएच माइनस की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ओएच माइनस की कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगी, 10 की पावर -2। ठीक है, अब हमारा ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन क्या है, 2s, 2s, तो यहाँ से हमारा ओ एच माइनस का कंसेंट्रेशन है 2s, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2s - = 10 की पावर -2, यानी s की वैल्यू 10 की पावर -2/2। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2/2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2/2 का होल स्क्वायर। ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -4 होल डिवाइडेड बाय 2। 1/2 को हम 1/2 है। ठीक है, अब 10 की पावर -2 10 की पावर -4, ये क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 10 की पावर -6, और इसको फिर हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 10 की पावर -7। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द रिएक्शन ऑफ टोलीन विद द Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स x, एंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स y, दस x एंड y आर। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं जो टोलीन का रिएक्शन है हम Cl2 के साथ करवा रहे हैं, पहले इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो हमें x मिल रहा है, फिर हम बाद में जब उसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट करवाते हैं बट इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट तो हमें y मिलता है, तो हमें x एंड y प्रोडक्ट बनाना है। तो फर्स्ट हमें क्या बोल रहा है, जब हम सब्स्टिट्यूटेड टोलीन का रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। मिथाइल ग्रुप क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट कर देता है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, मेटा पोजिशन से ज्यादा, इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मोस्टली ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होती है, एंड एज अ प्रोडक्ट हमें यहाँ पे ऑर्थोक्लोरोटोलीन प्लस पैराक्लोरोटोलीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो हम जब टोलीन का रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ FeCl3 के साथ, तो हमें ऑर्थोक्लोरोटोलीन और पैराक्लोरोटोलीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है, एंड ये हमारा x होता है। फर्दर क्या बोल रहा है, हम टोलीन का रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन पे होने के बजाय मिथाइल ग्रुप पे होता है, यानी कि यहाँ से हमारा ये तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, यहाँ पे क्लोरीन एटम आके ऐड हो जाता है, हैलोजनेशन हो जाता है, हैलोजनेशन रिएक्शन हो जाता है, यानी कि C6H5CCl3 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमारा वाई क्या हो जाएगा, वाई है हमारा ट्राई क्लोरो मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो जब हम यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे होते हैं टोलीन का Cl2 के साथ, तो हमारा मिथाइल पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द मोस्ट एसिडिक नेचर। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि कौन सा कंपाउंड का सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होता है। तो जब हम एसिडिक एच को रिमूव कर देते हैं, जब एसिडिक एच इज रिमूव्ड, तो जो हमारा एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। ठीक है, अब फिनॉल में क्या होता है, जब ये एसिडिक हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो फिनोलेट आयन बनता है, और वो फिनोलेट आयन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसका जो अनायन फॉर्म होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि इसमें लोन पेयर का, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है नेगेटिव चार्ज का, डीलोकलाइजेशन हो जाता है।
ड्यू टू रेजोनेंस। इसलिए हमारा जो फिनोलेट आयन जो बनता है यहाँ पे फिनॉल के केस में वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जो फिनॉल होता है हमारा वो सबसे ज्यादा वो मोस्ट एसिडिक इन नेचर होता है। इट इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, हेंस ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन अ सेट ऑफ रिएक्शन इथाइल बेंजीन यील्ड अ प्रोडक्ट डी, द प्रोडक्ट डी विल बी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, स्टार्टिंग में इथाइल बेंजीन गिवन है, ठीक है, ये हमारा इथाइल बेंजीन है CH2CH3, ठीक है। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कलाइन KMnO4 में, अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एंड यहाँ पे हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड टेक्स प्लेस, ठीक है, ये हमारा बेंजोइक बेंजोइक एसिड है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, Br2 और FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, Br2 और FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे हेलोजनेशन रिएक्शन होगा, हेलोजनेशन रिएक्शन होगा। लेकिन हमें पता है जो हमारा COH होता है, COH ग्रुप होता है, ये हमारा रिंग डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है, रिंग डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं हेलोजनेशन, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन को डीएक्टिवेट कर देता है और बेटा बेटा सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है, जिससे यहाँ पे हमारा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन जाता है, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड COOH, यहाँ पे COOH एंड मेटा पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन आ जाता है, ठीक है। अब जब हम इसका मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं फर्दर इथाइल अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इन द एसिडिक मीडियम, रिएक्शन विथ इथाइल अल्कोहल इन द एसिडिक मीडियम, तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, ईस्टर का फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है एंड हमारा मेटा ब्रोमो इथाइल बेंजोएट बन जाता है, COOO C2 C2 H5 Br, और ये हमारा क्या बन जाता है, मेटा ब्रोमो इथाइल बेंजोएट, और यही हमारा प्रोडक्ट डी है। सो प्रोडक्ट डी इज मिथाइल बेंजोएट, मेटा ब्रोमो इथाइल बेंजोएट। इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज व्हाट इज एच प्लस इन मोल पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज 0.20 एम इन CH3COON Na एंड 0.1 एम इन CH3COOH। Kf for CH3COH is 1.8 into 10 की पावर माइनस 5। यहाँ पे बोल रहा है CH3COONa का यहाँ पे 0.2 m लिया है हमने इसका, ठीक है। तो हम इसको जब आयोनाइज करवा रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, CH3COO- + Na, इनिशियली तो 0-0 रहेगा, ठीक है, लेकिन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0.2 m फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट CH3COH गिवन है, तो जब हम इसका आयोनाइजेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3COO- + H+, ठीक है। तो अब हमसे पूछा एच प्लस की कंसेंट्रेशन क्या होगी, 0.1 m CH3COH, ठीक है। तो CH3CO- तो कॉमन आयन है, तो अगर यहाँ पे 0.2 m है तो यहाँ पे भी 0.2 m होगा। हाँ, अब हमें बोला है कि इस रिएक्शन के लिए Ka की वैल्यू 1.8 into 10 की पावर माइनस 5 है, और हमें पता है Ka क्या होगा हमारा, यहाँ पे Ka हो जाएगा CH3COO- into H+ divided by CH3COOH, ठीक है। हमें पता है कि इस कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो एसिड का जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा बाय ले चैटलियस प्रिंसिपल, ठीक है। अब हमें पता है CH3COO- का कंसेंट्रेशन क्या है, 0.2, H+ की कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है,
CH3COH की कंसेंट्रेशन 0.1 है, ठीक है, और Ka की वैल्यू गिवन है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मोल पर लीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ई ए एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा एच, बोथ ऑफ दीज इन किलो जूल पर मोल, मिनिमम वैल्यू ऑफ ई ए विल बी। तो हमें यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन गिवन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ होता है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इट विल मूव लाइक दिस। ये पी पॉइंट होता है, यहाँ पे हमारा एनर्जी होता है, ठीक है, हमारा ये हमारा रिएक्शन का पाथवे बताता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट होता है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये जो एनर्जी होती है हमारी, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एंड ये जो होती है हमारी डेल्टा एच होती है। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या, एक्टिवेशन एनर्जी वो होता है जो, एक्टिवेशन एनर्जी होता है हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक रिएक्टिंग स्पीशीज के पास होना जरूरी होता है टू अंडरगो अ स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें, एंडोथर्मिक में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज हायर देन एनर्जी ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट हमारा जब यहाँ पे हम पॉइंट पी पे रिच कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स के पास इतना एनर्जी है कि वो रिएक्शन को फर्दर टेक प्लेस करे, ठीक है। तो लेकिन इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी यूज्ड अप हो जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में कुछ एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन का एनर्जी है वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये यूज्ड अप एनर्जी मस्ट बी लेस देन एन मस्ट बी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, हम ये चीज ग्राफ से देख सकते हैं, क्योंकि ई ए माइनस एच हमारा यूज्ड अप एनर्जी है, यूज्ड अप एनर्जी है, ठीक है। अब हमें पता है यूज्ड अप एनर्जी हमारा, ठीक है, यूज्ड अप एनर्जी हमारा इतना अमाउंट का यूज्ड अप एनर्जी होने के लिए हमारा ई ए मस्ट बी ग्रेटर देन एच, ई ए मस्ट बी ग्रेटर देन एच, तभी हमारा यूज्ड अप एनर्जी इस फॉर्म में आ पाएगा एंड वी विल गेट अ एंडोथर्मिक रिएक्शन ग्राफ फॉर एक्टिवेशन एनर्जी लाइक दिस। इसलिए हमारा ई ए वुड बी ग्रेटर देन एच, यानी कि हमारा एक्टिवेशन मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी मोर देन डेल्टा एच, विल बी मोर देन डेल्टा एच, हेंस ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ सी एच बॉन्ड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स, ये क्वेश्चन हमसे बेसिकली पूछ रहा है कि रिएक्टिविटी सी एच बॉन्ड की न्यूक्लियोफाइल की तरफ किस में ज्यादा होगी, कि जब हम इस हैलोजन को रिमूव कराए तो इस कार्बन पे एक न्यूक्लियोफाइल आकर के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आकर के अटैच्ड हो जाए। तो अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं हमारे वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एराइल हैलाइड्स के कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि एराइल हैलाइड्स में क्या होता है, पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है सी एक्स बॉन्ड में कार्बन हैलोजन के बीच में, और ऑल्सो जब एक्स का रिमूव हैलोजन लीव कर जाता है तो जो हमारा कार्बोकटायन बनता है या जो पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन के ऊपर वो रेजोनेट करता है, रेजोनेट करता है बेंजीन रिंग में, जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा फर्स्ट वाला है बेंजीन के ऊपर एक्स लगा हुआ, ये हमारा सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये है इसके ऊपर दो एनओ टू ग्रुप लगाए हुए हैं, तो एनओ टू ग्रुप क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी एराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और पॉजिटिव चार्ज इस पे मूव करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है सी एक्स यहाँ पे न्यूक्लियोफिल न्यूक्लियोफाइल के अटैक की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ कर लेता है तो ये और पॉजिटिव चार्ज हो जा पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, यानी जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक एनओ टू ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर तो मोर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है इन कंपेरिजन विद दी फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। अब अल्काइल हैलाइड्स में भी हमारे थ्री डिग्री
अल्काइलेलाइट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन उससे 2 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री एंड उससे कम 1 डिग्री। ये इसलिए होता है ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन फॉर्म। अल्काइलेलाइट्स की स्टेबिलिटी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। अब हम यहाँ पे देखिए, ये तो 3 डिग्री कार्बो 3 डिग्री अल्काइलेलाइट है, ये हमारा 2 डिग्री अल्काइलेलाइट है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? 3 डिग्री अल्काइलेलाइट। तो सेकेंड से ज्यादा कौन होगा? फोर्थ वाला अल्काइलेलाइट हमारा स्टेबल रिएक्टिव होगा सीए न्यूक्लियोफाइल की तरफ, एंड फोर्थ से ज्यादा हमारा थर्ड वाला होगा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल की तरफ। इसके अकॉर्डिंग देखिए तो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विद कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी प्लस 0.46 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट विल बी। तो हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट जो हमारा होता है वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, इसमें हमारा रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस हुआ है, यानी कि 2Ag प्लस रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन करवाए कॉपर मेटल के साथ, यानी A2Ag प्लस व्हेन रिएक्ट्स विद कॉपर गिव्स कॉपर 2 प्लस प्लस 2Ag, यानी यहाँ पे हमारा टू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इन्वॉल्व हुआ है, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? 2। ठीक है, E नॉट ऑफ दी सेल क्या गिवन है? E नॉट ऑफ दी सेल of the cell is given to be 0.46 volt। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस 2 इंटू फैराडे, 1 फैराडे क्या होता है 96500 इंटू 0.46 वोल्ट। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा डेल्टा जी नॉट का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? माइनस 89 किलो जूल पर मोल। हेंस आवर ऑप्शन नंबर One is the correct option and the required answer for this question. The question says, in which of the following equilibrium Kc and Kp are not equal? Kc और Kp के बीच में relation क्या होता है? Kp is equal to Kc into RT की power delta Ng. ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा Kp is equal to Kc कब होगा? जब हमारा delta Ng का value zero होगा, यानी ये पूरा term हमारा one में reduce हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एन जी क्या होता है? नंबर नंबर ऑफ मोल्स मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। ठीक है, अब हमें फर्स्ट रिएक्शन गिवन है, फर्स्ट रिएक्शन में देखें तो हम यहाँ पे हमारा डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या आएगा? रिएक्टर प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास एक मोल ऑफ गैशियस N2 है, एक मोल ऑफ गैशियस O2 यानी 2 माइनस रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स ऑफ गैशियस NO है, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका तो डेल्टा एच जी 0 आ रहा है, यानी कि इस केस में Kp इज इक्वल टू Kc होगा। नेक्स्ट SO2 गैस प्लस NO2 गैस गिव्स SO3 गैस प्लस NO गैस, यहाँ पे डेल्टा एन जी देखे तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट है, एक मोल SO3 का एक मोल NO का, तो 2 माइनस रिएक्टेड साइड में भी एक मोल SO2 का और एक मोल NO2 का, यानी कि दो मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट है, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी इसका भी Kp इज इक्वल टू Kc होगा। नेक्स्ट इसमें देखें H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, इसका डेल्टा एन जी क्या होगा? प्रोडक्ट साइड में 2 मोल्स ऑफ गैशियस HI है, यानी 2 माइनस रिएक्टेंट साइड में एक मोल ऑफ H2 और एक मोल ऑफ I2 है, यानी कि 2 मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट है, यानी 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी Kp इज इक्वल टू Kc होगा इस केस में भी। नेक्स्ट लास्ट से 2C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स 2CO2 गैस, इसका डेल्टा एन जी क्या होगा? प्रोडक्ट साइड में तो 2 मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट है, 2 मोल्स ऑफ गैशियस CO2 है, तो 2 माइनस। अब रिएक्टेंट साइड में हम इसके मोल्स को कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है और हम डेल्टा एनजी में सिर्फ और सिर्फ गैशियस प्रोडक्ट लेते हैं। मोर ओवर केमिकल इक्विलिब्रियम में हम सॉलिड्स की एक्टिविटी को 1 मान के नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड में कितने गैशियस मोल्स है? एक मोल ऑफ O2 है बस, यानी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1,
इस केस में केपी क्या हो जाएगा, केसी इज इक्वल टू आरटी की पावर 1, यानी केपी इज इक्वल टू केसी आरटी हो जाएगा। तो इस केस में तो केपी इज नॉट इक्वल टू केसी हो जाएगा। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग, केपी केसी एंड केपी आर नॉट इक्वल, फोर्थ एक्सप्रेशन में केपी और केसी नॉट इक्वल होगा। हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल एग्जिबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, Na3+, Ti3+, Lu3+ और Scandium3+। ठीक है, तो हमारा एग्जिबिट कलर एक्वस सॉल्यूशंस में तो वही करता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डीडी ट्रांजिशंस होता है। ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डीडी ट्रांजिशंस टेक्स प्लेस, और उस डीडी ट्रांजिशंस की वजह से ही हमारा वो पर्टिकुलर आयन कलर एग्जिबिट करता है। पहला गिवन है हमें Na3+, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ज़ीनॉन 5d0। तो इसके पास तो कोई जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो हमारा कलर एग्जिबिट शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा Lu3+। Lu3+ का हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, F14 5d0। इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी हमारा कलर एग्जिबिट नहीं करेगा। नेक्स्ट है Scandium3+, Sc3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 3d0 है, तो इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी हमारा कलर एग्जिबिट शो नहीं करेगा। Ti3+ का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d1। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये एक्वस सॉल्यूशन में कलर एग्जिबिट करेगा। हेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल एग्जिबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, Ti3+। हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज एनिलीन इन अ सेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस यील्डेड अ कलर्ड प्रोडक्ट वाई। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एनिलीन हमारा एक कलर्ड प्रोडक्ट वाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, डायोजिटाइजेशन रिएक्शन हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, वो जो कि फर्दर रिएक्शन पे NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ एक प्रोडक्ट वाई दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली इसका जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं एनिलीन का NaNO NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में 273 से 278 केल्विन पे, तो क्या हो रहा है हमारा बेंजीन पे हमारा N2 प्लस और Cl माइनस बन रहा है, डायोजोटाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। डायोजोटाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं NN डाई मिथाइल अमीन के साथ, NN डाई मिथाइल अमीन के साथ, तो क्या होता है, यहाँ पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं NN डाई मिथाइल अमीन के साथ। NN डाई मिथाइल अमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CN CH3 CH3। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से Cl माइनस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एंड हमारा स्ट्रक्चर फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन पे N2, फिर ये नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा इस वाले, इसके साथ सब्सटीट्यूट हो जाएगा, एंड ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टेक्स प्लेस हियर एंड ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट वाई बन जा रहा है। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट वाई। ठीक है, एंड ये हमारा पैरा पोजिशन पे अटैच होता है, क्योंकि जो NCH3 2 है ये हमारा ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टेक्स प्लेस। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एसीटामाइड इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स सेपरेटली, व्हिच वन ऑफ दीज वुड यील्ड मिथाइल अमीन। तो हमें पता है जब एसीटामाइड का रिएक्शन करवाते हैं NaOH प्लस Br2 के साथ, तो ये हमें मिथाइल अमीन देता है, एंड ये हमारा नेम रिएक्शन होता है, एंड इस रिएक्शन का नेम होता है हॉफमैन हॉफमैन
ब्रोमा अमाइड रिएक्शन, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल डील मिथाइल अमीन व्हेन एसिटेमाइड इज ट्रीटिंग विद द फॉलोइंग रिएजेंट सेपरेटली। तो NaOHBr2 के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमें मिथाइल अमीन देगा। हेंस ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एन एक्वस सोल्यूशन इज 1 मोलल इन KI, विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन टू इंक्रीज। ठीक है, तो इसे पूछे कि वेपर प्रेशर किस में इंक्रीज करेगा। तो अब ये चीज रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जज करेंगे, ठीक है। NaCl, Na2SO4 और Ki के केस के एडिशन में क्या होगा, यहाँ पे आयनाइजेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेशन पे क्या होगा, हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेक्स प्लेस, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेक्स प्लेस, लेकिन हमें वेपर प्रेशर को इंक्रीज करना है। तो ठीक है, तो जब हम एडिशन ऑफ वाटर करवाएंगे तो वो हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू द रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, हेंस विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू इंक्रीज। एडिशन ऑफ वाटर विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू इंक्रीज। Hence, option 4 is the correct option and the required answer for this question. The question says, a solution of sucrose has been prepared by dissolving 68.5 gram of sucrose in 1000 gram of water. The freezing point of the solution obtained will be. तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन हमने लिया है सुक्रोज का, ठीक है, उसमें हम 68.5 ग्राम डिजोल्व कर रहे हैं सुक्रोज का 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड करना है, Kf की वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू वन इंटू के एफ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम वन इंटू डब्ल्यू टू। यहाँ पे डब्ल्यू वन हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। W2 हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। और Kf फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें Kf की वैल्यू गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन है, मोलर मास हमारा सॉल्यूट का 342 गिवन है हमें, ठीक है। और हमें W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 1000, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट 68.5। अब हम ये सारी वैल्यूज इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करके हम डेल्टा टी एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू वन की वैल्यू 68.5, के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम वन की वैल्यू 342 इंटू डब्ल्यू टू की वैल्यू 1000, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डेल्टा टी एफ क्या आ जाएगा, 0.372 डिग्री सेल्सियस। ऑल्सो हमें पता है डेल्टा टी एफ क्या होता है हमारा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। टी एफ हमारा क्या होता है, टी एफ हमारा होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और टी नॉट होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी कितनी, डेल्टा टी एफ हमने कैलकुलेट किया था कितना था हमारा, 0.372, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन टी एफ होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -0.732 डिग्री सेल्सियस। हेंस
ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स हैज हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन दैट लैटिस एंथैल्पी. तो इस क्वेश्चन पूछा है कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल का सल्फेट हमारा का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है लैटिस एंथैल्पी से. तो जो हमारा बेरिलियम सल्फेट होता है इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है वाटर में, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है ये, और इसकी जो हाइड्रेशन इंथेल्पी होती है, हाइड्रेशन इंथेल्पी होती है वो ग्रेटर देन होती है लैटिस इंथेल्पी से. ऑल्सो अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, इसलिए जो हमारे बेरियम सल्फेट और रेडियम सल्फेट होते हैं वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन द लैटिस एंथैल्पी. इट्स बेरिलियम सल्फेट, BSO4. ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d6. तो इस क्वेश्चन में पूछा है किसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d6 होता है. ठीक है, तो पहला क्या गिवन है, निकल 3+. तो हमें पता है निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, आर्गन 3d8 4s2. अब अगर इसमें निकल 3+ यानी 3 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करवाएंगे तो क्या होगा, आर्गन 3d7 हो जाएगा. दो इलेक्ट्रॉन एस से और एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से निकल जाएगा. बी हमें गिवन है Mn3+, मैग्नीज 3+. तो Mn3+ में क्या होगा, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, आर्गन 3d5 4s2. ठीक है, अब इसमें से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक तो दो तो एस ऑर्बिटल से निकलेंगे और एक डी ऑर्बिटल से. तो यहाँ पे Mn3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d4. ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है Fe3+. Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, आर्गन 3d5. ठीक है, अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करवाएंगे तो Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d2. ठीक है, नेक्स्ट डी हम देखें, कोबाल्ट 3+ गिवन है, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है आर्गन 3d7 4s2. ठीक है, अभी आपसे 3 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करवाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से निकलेगा तो क्या होगा, आर्गन 3d6. अब हमसे पूछे कि आर्गन 3d6 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा, तो वो तो कोबाल्ट 3+ का है. Hence option 4 is the correct option and the required answer for this question. The question says an increase in equivalent conductance of a strong electrolyte with dilution is mainly due to increase in ionic mobility of ions, 100% ionization of electrolyte at normal dilution, increase in both number of ions and ionic mobility of ions, increase in number of ions. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि equivalent conductance का increase कब, strong electrolyte का increase कब होता है डाइल्यूशन के प्रोसेस में, किस वजह से होता है. ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी एन. ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूशन पे क्या होता है, ऑन द इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन हमारा नंबर of charge carriers per meter cube decrease करता है, लेकिन जो volume होता है वो तो increase करता है. ठीक है, consequently क्या होता है, हमारा ionic mobility भी increase करता है, जो कि हमारा equivalent conductance को increase कर देता है. तो बेसिकली हमारा इक्विवेलेंट कंडक्शन इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू द आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन. हेंस इंक्रीजिंग आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन. हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. The question says crystal phase stabilization energy for high spin dipole octahedral complex is. यहां पे high spin dipole octahedral complex है. डी में डी सबशेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4. इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4. इसको हम जब स्प्लिट करेंगे ये हमारा eg और t2g में स्प्लिट करेगा, t2g में 3d ऑर्बिटल्स जाते हैं, eg में 2 जाते हैं. ठीक है, t2g में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड eg में हमारे पास एंड in eg वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले हम इलेक्ट्रॉन्स स्प्लिट करेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है हमारा. ठीक है, तो फिर अब हमें पता है यहां पे स्प्लिटिंग एनर्जी हमारा क्या होता है, और यहां पे
रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7, इन तीनों ही ऑक्सी एसिड्स में उसका जो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे होगा। तो हमने रिडॉक्स रिएक्शन में देखा था H4P2O5 हम कंसिडर करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि फास्फोरस के ऊपर X ऑक्सीडेशन स्टेट है। हमें पता है हाइड्रोजन के ऊपर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 1 × 4 प्लस 2 फास्फोरस, हर एक पे हमने एक्स माना तो 2x, प्लस हर एक ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 5 ऑक्सीजन है तो -2 × 5, और पूरे मॉलिक्यूल पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 + 2x - 10 = 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 6 = 0, यानी 2x = 6, x = +3, यानी कि H4P2O5 में फास्फोरस के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ऐसे हम H4P2O6 में देखते हैं, हर एक हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो 4 हाइड्रोजन पे 4 होगा, एक फास्फोरस पे हमने x मान लिया तो 2 फास्फोरस है तो 2x, हर एक ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 6 ऑक्सीजन है तो -2 × 6, और पूरे का मॉलिक्यूल पे 0 है तो टोटल इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4। ऐसे ही अब हम H4P2O7 में देखें तो H4P2O7 में भी हम फास्फोरस पे एक्स मान लेते हैं, तो एक हाइड्रोजन पे +1 होता तो 4 हाइड्रोजन पे 4 होगा, एक फास्फोरस पे एक्स है, 2 फास्फोरस है तो +2x। ठीक है, और हर एक ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, तो 7 ऑक्सीजन है तो 7 ऑक्सीजन पे कितना होगा, 7 × -2, पूरे मॉलिक्यूल पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, 0 है। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5। तो हमारा H4P2O5 में +3, H4P2O6 में +4 और H4P2O7 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस पे, यानी +3 + 4 + 5। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी अमीन्स इज फॉल्स। तो हमारे प्राइमरी अमीन्स होते क्या है, प्राइमरी अमीन्स हमारे ऐसे अमीन्स होते हैं जिसमें एक एच हमारा सब्स्टिट्यूटेड होता है किसी और मिथाइल मिथाइल रिलेटेड ग्रुप से, यानी कि प्राइमरी अमीन ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक CN बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H3CNH2, ये हमारे प्राइमरी अमीन्स होते हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं प्राइमरी अमीन्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला बोल रहा है अल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अराइल अमीन्स। अल्काइल अमीन्स क्या होते हैं, जो नॉर्मल मिथाइल ग्रुप्स के साथ अटैच होते हैं, और अराइल अमीन्स क्या होता है, जिसमें बेंजीन रिंग पे जब अमीन्स अटैच होते हैं, अमीन्स के साथ बेंजीन रिंग अटैच होता है। हमसे पूछा कि अल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अराइल अमीन्स। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं अल्काइल अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस एल्कोहल्स। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, जब हमारे अल्काइल अमीन रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो वो हमारा एल्कोहल्स प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। थर्ड बोल रहे हैं अराइल अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल्स। नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि क्योंकि जो हमारे अराइल अमीन्स होते हैं, अराइल अमीन्स जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फिनॉल्स प्रोड्यूस नहीं करते, वो डाइजोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अराइल अमीन्स ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड गिव्स डाइजोनियम सॉल्ट, इट गिव्स डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, वो फिनॉल्स नहीं देते, इसलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। लास्ट बोल रहे हैं अल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। फॉर श्योर, अल्काइल अमीन्स हमारे स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं अमोनिया से। ठीक है, क्योंकि अमोनिया में तो 3 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होते हैं, NH3 होता है। ठीक है, तो अल्काइल और उसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो अल्काइल अमीन हमारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं देन अमोनिया। ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। अब हमसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी अमीन्स इज फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग स्पीशीज इज। तो इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या होगा फॉलोइंग स्पीशीज के बॉन्ड ऑर्डर का, तो करेक्ट ऑर्डर होगा Cl2 का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, फिर उससे ज्यादा बॉन्ड एंगल Cl O2 - में होगा एंड देन उससे भी ज्यादा होगा Cl O2 में,
CLO2 में, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर बना के देखें, CL2O2 में क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, ठीक है, और दो OCl बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से यहाँ इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है, यहाँ इसका बॉन्ड एंगल 111 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है CLO2 माइनस, CLO2 माइनस में भी दो लोन पेयर है, एक डबल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड है, उसके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, दो लोन पेयर की वजह से इसका भी लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसका भी बॉन्ड बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा और 118 डिग्री से कम हो जाएगा, लेस देन 118 डिग्री बट ग्रेटर देन, लेस देन 118 डिग्री बट ग्रेटर देन 111 डिग्री, ठीक है। और CLO2 में क्या होगा, CLO2 में क्या होता है, CLO2 में दो डबल बॉन्ड हो, ठीक है, एक ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और एक लोन पेयर, यहाँ पे हमारा परफेक्ट एंगल होता है 118 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इसलिए इसका 118 डिग्री होता है, ठीक है। इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑर्डर होता है बॉन्ड एंगल का, हेंस ऑप्शन ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द क्वेश्चन। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन सेज अमंग द गिवन कंपाउंड्स द मोस्ट सस्पेक्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट द कार्बोनिल ग्रुप इज, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन से कार्बोनिल ग्रुप पे सबसे अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमारा एसिटाइल क्लोराइड में होगा, एसिटाइल क्लोराइड में होगा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी एल पे, इस कार्बोनिल ग्रुप पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो बहुत ज्यादा सस्पेक्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लोरीन है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से बहुत इजिली लीव कर जाएगा एंड यहाँ पे हमारा चार्ज का जनरेशन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर विद नेगेटिव चार्ज कैन अटैक एट दिस कार्बोनिल सेंटर। हेंस द अमंग द गिवन कंपाउंड्स द मोस्ट सस्पेक्टेबल टू द न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट द कार्बोनिल ग्रुप इज CH3COCl। Hence, option 4 is the correct option and the required answer for this question. Question says, 25.3 gram of sodium carbonate Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml of solution. If sodium carbonate dissociates completely, molar concentration of sodium ion Na plus and carbonate ion CO3 2 minus respectively are. ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में पहले हमें क्या गिवन है, गिवन मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या है, 25.3 ग्राम। तो हम पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि हम बोल रहा है कि जब हमारा Na2CO3 डिसोसिएट कर रहा है तो हमारा 2Na प्लस और प्लस CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन बना रहा है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि CO3 2 माइनस और 2Na प्लस का इस रिएक्शन में कंसेंट्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कैलकुलेट करेंगे, Na2CO3 कैलकुलेट करेंगे एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट कितना है 25.3 ग्राम और Na2CO3 का मोलर मास कितना होता है 106, मोलर मास ऑफ Na2CO3 इज 106। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 0.39। अब मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी नंबर ऑफ मोल्स एन ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी, ठीक है। वॉल्यूम हमें यहाँ पे 250 ml गिवन है, लेकिन हमें मोलारिटी में लीटर्स में लेना होता है, तो 250 ml को लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना हो गया 0.239 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 0.25। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.956 मोल पर लीटर, ठीक है। तो अब इनिशियली यहाँ से हम देखें तो अगर इसका Na2CO3 का कंसेंट्रेशन 0.956 मोल पर लीटर है, तो अगर यहाँ से हमारा Na प्लस का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, एक मोल से हमारा दो बन रहा है, तो 0.956 मोल पर लीटर से हमारा क्या बनेगा 2 × 0.956 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Na प्लस का कंसेंट्रेशन 1.912 एम मोलर मोलर, और फिर उसके बाद हमारा CO3 कार्बोनेट आयन का कितना होगा कंसेंट्रेशन, 1 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो 1 Na2CO3 से 1 CO3 2 माइनस आयन डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका होगा 0.956
मोलर। हेंस ऑप्शन नंबर टू, सेकेंड ऑप्शन 1.910 m एंड 0.955 m अप्रोक्सीमेटली, हमारा यही दो अप्रोक्सीमेटली हमारा ये ऑप्शन टू करेक्ट होगा। ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ बी माइनस एंड एच बी, द के बी फॉर बी माइनस इज 10^-10, द पी एच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज। यहाँ पे हमें के बी का वैल्यू क्या गिवन है, के बी की वैल्यू गिवन है हमें 10^-10। हमें पता है पीके भी क्या होगा, हमारा पीके भी हमारा होगा माइनस लॉग 10 ऑफ के बी। इसको सॉल्व करेंगे माइनस लॉग 10 ऑफ 10^-10, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 10। अब हमें पता है पीओएच का फॉर्मूला फॉर द बेसिक बफर इज, फॉर अ बफर इज पीके बी प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो पीओएच क्या आ जाएगा, पीकेबी की वैल्यू है 10 प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है, हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ बी माइनस एंड एच बी, यानी कि सॉल्ट का कंसेंट्रेशन और एसिड का कंसेंट्रेशन दोनों का कंसेंट्रेशन सेम है। और हमें पता है कि लॉग 1/10 हमें हमारा जीरो होता है, तो ये हमारा टर्म जीरो की तरफ रिड्यूस हो जाएगा। 10 + 0 = 10, यानी पीओएच की वैल्यू क्या आ गई 10। अब हमें पता है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है, तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच प्लस 10 इज इक्वल टू 14, तो पीएच क्या आ जाएगा 4। सो पीएच ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन इज 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द एग्जिस्टेंस ऑफ टू कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस विद द कंपोजिशन ऑफ CONH3 4 Cl 2 plus इज ड्यू टू। तो हमारा जो कोबाल्ट NH3 4 Cl 2 plus है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये हमारा Ma4 B2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस, यानी कि इस कंपाउंड के दो सेम कंपोजिशन के साथ दो दो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक तो सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, और ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ सिस और ट्रांस आइसोमर्स है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट कलर कॉम्प्लेक्सेस भी देते हैं, ठीक है, विद द सेम कंपोजिशन बिकॉज ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स। और ये जो आइसोमर्स के एग्जिस्टेंस का फिनोमिना है, इसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक हमारा स्ट्रक्चर होता है कोबाल्ट Cl NH3 Cl NH3 NH3 NH3। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लोरीन क्लोरीन सिस पोजीशन पे है, तो ये हमारा सिस आइसोमर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एक होता है हमारा ट्रांस आइसोमर, तो ट्रांस आइसोमर कैसा होगा, कोबाल्ट Cl Cl NH3 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 NH3। ठीक है, यहाँ पे हमारा Cl Cl क्लोरीन क्लोरीन हमारा ट्रांसपोजिशन पे, तो ये हमारा हो गया ट्रांस आइसोमर्स। तो इन्हीं दो सिस और ट्रांस आइसोमर्स की वजह से दो डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस विद द सेम कंपोजिशन CONH3 4 Cl 2 plus के कंपोजिशन के साथ एग्जिस्ट करता है, और ये हमारा हो रहा है ड्यू टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीजेस विद देयर एटॉमिक नंबर इज, सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर सल्फेट्स इन वाटर, और आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या होता है, जैसे जैसे हमारे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी इंक्रीज कर रहा होता है। हाइड्रोक्साइड के केस में क्या होता है, लैटिस एनर्जी सबका डिफरेंट होता है, क्योंकि जो मीडियम ऑफ साइज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो डिक्रीज करता है जब हम बेरिलियम से बेरियम तक मूव करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी होता है डाउन द ग्रुप, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ, वो इंक्रीज करने लगता है टू ओवरकम द काउंटर इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से जो डिक्रीज हो रहा होता है
उसको ओवरकम करने के लिए बेरिलियम से बेरियम तक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड का बढ़ने लगता है। इसलिए जो हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड होता है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। वेयर एज जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर सल्फेट्स इन वाटर और जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, तो आयनाइज जैसे जैसे हमारा एटम बड़ा होता जाएगा तो वो आयन बहुत इजिली खींच लेगा। वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, तो वो अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो वो बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिसिपेटेड रहेगा तो वो बहुत इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि बहुत मिनिमम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा होता है, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंक्रीज कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंक्रीज कर रहे हैं। और हाइड्रोक्साइड्स के केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोक्साइड्स के केस में हमारा जो लैटिस एनर्जी है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो साइज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है, साइज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीजेस डिक्रीजेस फ्रॉम डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है हमारा साइज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए हमारा जो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड डाउन द ग्रुप इंक्रीज करने लगता है टू ओवरकम द काउंटर इफेक्ट प्रोड्यूस बाय डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी, टू ओवरकम द इफेक्ट बाय डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इफेक्ट बाय डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हाइड्रोक्साइड्स का इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, वेयर एज सल्फेट्स आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसका डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है। इसलिए तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2a plus gives c plus d, following the results were obtained based upon the above data, which one of the following is correct? तो हमें बोला 2a plus b plus gives c plus d का काइनेटिक स्टडी करवाया, ठीक है। तो चार ऑब्जर्वेशन मिले हमें, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस से बताओ रेट का क्या वैल्यू होगा। तब हम अगर फर्स्ट और फोर्थ एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन को देखें, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन में देखें, तो जो हमारा B का कंसेंट्रेशन है इसमें भी 0.1 है, इसमें भी 0.1 है, यानी कि हमारा B का कंसेंट्रेशन इज कांस्टेंट। तो B के कंसेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए अगर हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ A 4 टाइम्स हो रहा है, 0.1 से 0.4 हो रहा है, तो हम ऑब्जर्व करें हमारा जो रेट है 6 से 2.4 हो रहा है, यानी कि 4 हो रहा है, 4 हमारा जो रेट है, पहले 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मिलेगा ना। तो हमारा जो रेट है वो भी 4 टाइम्स हो रहा है, हमारा रेट भी 4 टाइम्स हो जा रहा है, यानी कि अगर हमारा बी के कंसेंट्रेशन को कांस्टेंट रख रहे हैं तो हमारा ए का कंसेंट्रेशन 4 टाइम्स हो रहा है और हमारा जो रेट है वो भी 4 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन ऑफ ए के, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू हमारा ऑर्डर क्या है, 1, विथ रिस्पेक्ट टू ए हमारा ऑर्डर क्या है, 1। अब हम सेकेंड और थर्ड में देखें, सेकेंड एंड थर्ड में देखें तो हमारा ए का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है, 0.3 है, ए का कंसेंट्रेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जब 0.2 से 0.4 जा रहा है, यानी कि बी का कंसेंट्रेशन हमारा 0.2 से 0.4 हो रहा है, यानी कि टू टाइम्स हो रहा है, तो हमारा जो रेट है 7.2 से 2.88 हो जा रहा है, यानी कि हमारा अगर कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू टाइम्स हो रहा है तो हमारा जो रेट है वो 4 टाइम्स हो रहा है, क्योंकि 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 में जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मिलेगा, यानी कि हमारा रेट 4 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा जो रेट है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ बी के स्क्वायर का, यानी कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज टू। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा रेट क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और एक रेट कॉन्स्टेंट के भी आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम साइज। तो इस क्वेश्चन पूछा है कौन से पेयर का साइज सेम रहेगा। तो जो हमारा एच एफ फोर हाफेनियम एच फोर एच एफ फोर प्लस और जेड आर फोर प्लस, इन दोनों का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स, एडिशन ऑफ 14 लैंथेनाइड लैंथेनाइड एलिमेंट्स, ठीक है। बिफोर इनके पहले 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स का एडिशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे आर एडेड इन एफ सबशेल। तो इससे क्या होता है, हमारा ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को बहुत पुअरली शील्ड करता है, जिससे पुअर शील्डिंग की वजह से कंट्रैक्शन इन साइज टेक्स प्लेस, कंट्रैक्शन इन साइज टेक्स प्लेस ड्यू टू विच एच एफ फोर प्लस और जेड आर फोर प्लस का, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, ठीक है। हेंस ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है इसमें, के प्लस गिवन है, कैल्शियम 2 प्लस गिवन है, क्लोरीन माइनस गिवन है, सल्फर 2 माइनस गिवन है। हमें पता है जो हमारा आयनिक रेडियाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है तो साइज बढ़ता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगता है। और आयनिक रेडियस हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के केस में जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज तो हमारा घटेगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे, सल्फर 2 माइनस, उससे कम सीएल माइनस, उससे कम कम पॉजिटिव चार्ज वाला कौन सा है, के प्लस, ठीक है। सीए 2 प्लस पे तो सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 2 है, तो उसका सबसे कम आयनिक रेडियस होगा। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The question says, in which one of the following species, the central atom has the type of hybridization which is not the same as that present in the other three? ठीक है, तो hybridization calculate करने का formula क्या होता था, half into v plus m minus c plus a। यहाँ पे v क्या होता था, हमारा number of valence electrons, m होता था number of monovalent atom, ठीक है। सी होता था हमारा कटायन चार्ज, ए होता था हमारा अनायन चार्ज, ठीक है। अब फर्स्ट क्या गिवन है हमें, SF4, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाफ। इसके सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, ठीक है। इसके अराउंड 4 मोनोवैलेंट फ्लोरिन एटम्स अटैच, यानी एम की वैल्यू 4। कोई कटायनिक चार्ज नहीं है, कोई अनायनिक चार्ज नहीं है, इसलिए 0 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। जिसका 5 स्टेरिक नंबर आता है उसका होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ठीक है। सेकंड अब हमें क्या गिवन है, i3 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, हाफ इंटू आयोडीन, हमारा सेंट्रल एटम है उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके अराउंड 2 मोनोवेलेंट आयोडीन एटम अटैच है, यानी प्लस 2। कोई कटायनिक चार्ज नहीं है इसलिए -0, प्लस -1 का आयनिक चार्ज है तो +1 कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो इसका भी sp3d है। नेक्स्ट थर्ड गिवन है sbcl5 होल 2 माइनस। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sb के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 5 प्लस इसके अराउंड 5 मोनोवेलेंट क्लोरीन एटम अटैच है, यानी m की वैल्यू 5, ठीक है। इसके ऊपर कोई टाइनिक चार्ज नहीं इसलिए -0, प्लस इसके ऊपर -2 अनायनिक चार्ज है तो इसलिए +2 कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6।
यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। ठीक है, फोर्थ लास्ट क्या गिवन है, pcl5। pcl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाफ फॉस्फोरस पे के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक है, प्लस इसके अराउंड 5 मोनोवैलेंट क्लोरीन एटम है, कोई कैटायनिक और अनायनिक चार्ज है नहीं, इसलिए 0 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। तो हम देख सकते हैं कि SF4, SbCl5, I3- और PCl5 तीनों में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और वहीं SbCl5 2- में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसीलिए अब क्वेश्चन में पूछा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द सेंट्रल आइटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज नॉट सेम एज दैट इज प्रेजेंट इन द अदर थ्री। SbCl5 2- में sp3d2 है, वही बाकी सब में sp3d है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया करेक्ट एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ x2 y2 एंड x y 3 आर 60 40 एंड 50 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स फॉर द रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू -30 kJ देन द टेम्परेचर शुड बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमें एक रिएक्शन गिवन है, हाफ x2 प्लस 3/2 y2 इस गिव्स x y 3, इसका डेल्टा एच का वैल्यू -30 kJ है। ठीक है, अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, x2 3y2 गिव्स 2xy3, और इसका डेल्टा, हमने पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका डेल्टा एच भी 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 60 kJ। ठीक है, अब हमें पता है कि डेल्टा एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा सम ऑफ डेल्टा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा सिग्मा डेल्टा एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब हमें पता है कि x2 का एंट्रोपी है 60 जूल केल्विन इनवर्स मोल, y2 का है 40 और xy3 का है 50। तो इसके अकॉर्डिंग हम डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन निकाले, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 × 50 − 3 × 40 − 1 × 60। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाए, क्या आ जाएगा हमारा, -80 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये हमारा डेल्टा एस हो गया। अब हमें पता है जो हमारा डेल्टा जी होता है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हमसे बोल रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम में पता है डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस आ गया। डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, किलो जूल में गिवन है, लेकिन हमने डेल्टा एस की वैल्यू जूल में निकाली है, तो हम इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -60 × 1000 इज इक्वल टू -80 × टेम्परेचर टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 750 केल्विन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद द नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट्स ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरिन एंड क्लोरिन। तो हमें पता है जो हमारा ऑक्सीजन और सल्फर है वो ग्रुप 16 का एलिमेंट है, एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन हमारा ग्रुप 17 के एलिमेंट है। ठीक है, ये इनका ऑर्डर है। अब हमें पता है कि अक्रॉस द पीरियड हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करता है, वही डाउन द ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सल्फर का ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड क्लोरीन का फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर रिस्पेक्टिवली। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर सेट करें तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा, उससे कम फ्लोरीन का, देन उससे कम सल्फर का, एंड देन उससे कम ऑक्सीजन का। तो इसके अकॉर्डिंग होगा ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज अ परऑक्साइड। तो कौन सा कंपाउंड हमारा परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड का कंडीशन क्या होता है, परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1 एंड ये हमारा H2O2 देता है ऑन विथ डाइल्यूट एसिड्स एंड हैव पर ऑक्सी लिंकेज। तो अब हम देखें जो हमारा MnO2 है और NO2 है, MnO2 और NO2 में हमारा मैग्नीशियम और ये हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इन दोनों के केस में तो हमारा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होता है, तो इसलिए ये दो ऑप्शन तो हमारे हो गए इनकरेक्ट, ये तो हमारा परऑक्साइड नहीं होगा। अब KO2 में हमें पता है जो हमारा ऑक्सीजन है उसके ऊपर हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, के के ऊपर +1 होता है, तो +1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x क्या आ गया -1/2, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1/2, ठीक है। तो ये तो हमारा सुपर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड नहीं होगा क्योंकि पर ऑक्साइड के लिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए होता है, इसलिए ऑप्शन 1 भी हो गया इनकरेक्ट। BaO2 में हमें पता है बेरियम पे +2 चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन पे एक्स मान लेते हैं, तो क्या होगा +2 +2x, तो यहाँ से हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा -1, यानी कि इस केस में ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यानी कि ये हमारा परऑक्साइड है एंड BaO2 के स्ट्रक्चर में परऑक्सी लिंकेज का प्रेजेंस भी है, यानी कि Ba2+OO2- एंड ये हमारा H2O2 देता है व्हेन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड। हेंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ परऑक्साइड, BaO2 इज अ परऑक्साइड, हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इस क्वेश्चन से पूछे कौन सा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। वहीं जो हमारा न्यूक्लियोफाइल्स होता है, न्यूक्लियोफाइल्स होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। एंड जो हमारा बेंजीन होता है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट करता है, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर हमारे पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, इसकी प्रेजेंस की वजह से वो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह एक्ट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में इंक्रीज कर देते हैं एंड इनको एक्टिवेट कर देते हैं टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एबिलिटी क्या हो, एबिलिटी का ऑर्डर ये होता है NH2 NR2 OH OR NHCOR और ROH। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट टोलिन पे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा कि हमारा ओ हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलिन इज मोर रिएक्टिव देन टोलिन ऑर्थो OCH3 इज ग्रेटर देन CH3 NHCO CH3 and is greater than toluene ortho position CH2OH। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सीटोलिन इज द मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The question says which one of the following is employed as tranquilizer drug, this question पूछे कौन सा हमारा tranquilizer drug की तरह act करता है। तो जो हमारा valium होता है वो tranquilizer drug की तरह act करता है and it is used to treat anxiety insomnia and Symptoms of acute alcohol withdrawal. Okay.
इट एक्ट्स बाय एनहांसिंग द इफेक्ट्स ऑफ गामा एमिनो ब्यूटाइल एसिड गाबा इन द ब्रेन. ठीक है, सो दिस इज द सम ऑफ द यूजेस ऑफ वेलियम विच एक्ट्स एज अ ट्रैंक्विलाइजर ड्रग. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज अ ट्रैंक्विलाइजर ड्रग. वेलियम इज एम्प्लॉयड एज अ ट्रैंक्विलाइजर ड्रग. Hence, option 2 is the correct option and the required answer for this question. The question says, in the following, the most stable conformation of N-butane is. So, N-butane ka sabse stable conformation kaun sa hota hai? So, N-butane ka jo sabse stable conformation hota hai, wo anti-staggered conformation hota hai. Anti-staggered conformation. Kyun? Kyunki isme jo do methyl ग्रुप्स होते हैं, जो दो बल्कि और मिथाइल ग्रुप्स होते हैं वो 180 डिग्री के एंगल पे डायहेड्रल एंगल पे प्लेस्ड होते हैं और इनके अंदर जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो मिनिमम होता है. तो हमारा ये हमारा होता है एंटी स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन. इसमें जो हमारा मिथाइल ग्रुप होता है, दो मिथाइल ग्रुप होता है, ये हमारा 180 डिग्री के एंगल पे डायहेड्रल एंगल पे प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमल होता है और जिस वजह से ये सबसे स्टेबल फॉर्म हो जाता है. एंटी स्टेगर कॉन्फॉर्मेशन इट इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एनब्यूटेन. मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एनब्यूटेन. Hence, option number 2 is the correct option. In the following, the most stable form of N-butane is anti-staggered conformation. Option 2 is the correct option and the required answer for this question. The question says, which of the following reactions will not result in the formation of carbon-carbon bonds? So, सबसे पहला हमें क्या given है? Riemer-Tiemann reaction. Riemer-Tiemann reaction हमारा phenol का name reaction है. ठीक है, ये हमने उसे chemical properties में पढ़ा था. जब हम फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं NaOH प्लस CHCl3 के साथ एंड उसे फर्दर हीट करते हैं तो हमारा CHO ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है एंड यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाता है. ठीक है, ऑक्सीजन अटैच हो जाता है. ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर होता है प्लस NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है. ये हमारा Riemer-Tiemann रिएक्शन होता है. नेक्स्ट गिवन है कैनिजारो रिएक्शन. कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? कैनिजारो रिएक्शन में HCHO एल्डिहाइडिक कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो HCOO-Na+ + CH3OH बन जाता है. CH3OH मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और जो हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है काइनिजारो रिएक्शन में. नेक्स्ट है हमारा वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? बेसिकली कपलिंग होती है हमारी आर सी एल को जब हम एन ए और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? हमारा आर आर बन जाता है प्लस एन ए सी एल बन जाता है. तो ये हमारा होता है वुड्स रिएक्शन. अब हमें लास्ट क्या गिवन है? फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन. फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है? हमारे पास एक बेंजीन होता है. ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं आर सी डबल बॉन्ड सी एल से तो और इसको ट्रीट करते हैं अनहाइड्रस एल सी एल थ्री के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारा क्या होता है? बेंजीन के ऊपर हमारा सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप अटैच हो जाता है प्लस एच सी एल एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है. ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ से जब हम सी एल का रिमूव करवाते हैं ये हेलोजन यहाँ से निकल जाता है. ठीक है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. बेंजीन तो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पे अटैक कर लेता है एंड ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस करता है CO R ग्रुप का. ठीक है, तो ये हमारा होता है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन. अब क्वेश्चन में हमसे पूछे कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स नहीं बन रहा. तो हमने देखा Riemer-Tiemann रिएक्शन में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, वर्ड्स रिएक्शन में भी बन रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन में भी बन रहा है. कैनिजारो रिएक्शन ही सिर्फ एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है,
सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं करा। Hence, option 2 is the correct option and the required answer for this question. Question says, which one is the most reactive towards SN1 reaction? तो हमें पता है हमारा SN1 reaction क्या होता है? Nucleophilic substitution unimolecular reaction होता है। SN1 reaction में क्या होता है? हमारा RX होता है। First, ये X हमारा halogen होता है। X का removal करवाते हैं, तो हमारा carbocation का formation take place करता है। Then इस पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। तो ये रिमूवल ऑफ एक्स का जो स्टेप होता है ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है एंड दिस इज आल्सो द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब हमसे पूछे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव SN1 रिएक्शन की तरफ कौन होगा, ठीक है। तो अभी हमारा अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो हमें पता है जो SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है। कार्बोकटायन का ऑर्डर क्या होता था? अलाइल या बेंजाइल कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन विनाइल एंड देन फिनाइल, ठीक है। फिनाइल एंड देन फिनाइल, ओके। अब हमें पता है यहाँ पे जो हमें फर्स्ट में गिवन है C6H5 CH6 C6H5 Br, ये हमारा 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकटायन है एंड यहाँ पे रेजोनेंस होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज में का डीलोकलाइजेशन होगा इस वाले C6H5 वाले रिंग में भी और इस C6H5 वाले रिंग में भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा C6CH CH3Br, ये भी हमारा 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकटायन है लेकिन यहाँ पे हमारा पास सिर्फ एक ही C6H5 है। यहाँ पे हमारा दो जगह कंजुगेशन हो सकता था, क्रॉस कंजुगेशन हो सकता था लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइम कंजुगेशन पॉसिबल है तो कंपेरेटिवली इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट जब हम इस थर्ड वाले ऑप्शन में देखें C6H5CCH3C6H5Br, ये हमारा 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकटायन है और 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकटायन तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन द कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट टू, ठीक है। लास्ट में गिवन है C6H5CH2Br, ये तो हमारा 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकटायन है, ये हमारा सबसे लीस्ट स्टेबल होगा इन कंपेरिजन विद अदर थ्री, क्योंकि हमें तो पता है 1 डिग्री का तो सबसे कम ही होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, C6H5CCH3C6H5Br इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, हेंस ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज AB क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस विद एज लेंथ A इक्वल टू 387 पिकोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन द लैटिस इज। तो हमें पता है जो हमारा ए बी है वो क्रिस्टलाइज कर रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में, ठीक है। हमें पता है बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस में हमारा जो आर होता है वो √3/4 ऑफ एज लेंथ ए होता है, रेडियस इज इक्वल टू √3/4 ऑफ एज लेंथ ए। अब हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इन द लैटिस इज, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन द लैटिस इज 2R, 2R होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस के लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 × √3/4 × एज लेंथ है, एज लेंथ ए की वैल्यू क्या गिवन है? 387 पिकोमीटर, तो रूट 2 × √3/4 × 387 पिकोमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा 2 × 1 = 2 और जब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 335 पिकोमीटर हमें डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन इन द लैटिस मिल जाएगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन इन द लैटिस इज 335 पिकोमीटर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question says the number of atoms in 0.1 mole of triatomic gas is, triatomic gas number of atoms
कितने होंगे 0.1 मोल ऑफ ट्राइटोमिक गैस में. तो हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी. एंड हमें पता है जो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर Na इनटू एटॉमिसिटी हो जाएगा. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने गिवन है, 0.1 मोल. 0.1 मोल. एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या गिवन है, 6.02 इनटू 10 की पावर 23. और बोला हुआ है कि ट्राई एटॉमिक गैस है, यानी कि इसका जो एटॉमिसिटी है वो 3 है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 1.806 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स एक्ट्स एज अ लुईस एसिड. तो लुईस एसिड्स हमारे कौन होते हैं, लुईस एसिड्स वो होते हैं जो हमारा लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके. और लोन पेयर हमारा कौन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब ऑप्शन में क्या गिवन है, अमोनिया NH3 में हमें पता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये हमारा लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा. नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होता कि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके. तो नाइट्रोजन तो ये NH3 तो हमारा लुईस बेस एक्ट करेगा. नेक्स्ट H2O. H2O में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है और कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, तो ये भी हमारा लुईस बेस एक्ट करेगा. ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा. वही CH4 हमारा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है. क्यों, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ये 4 CH बॉन्ड बना करके अपना जो ऑक्टेट है 8 इलेक्ट्रॉन्स का उसे पूरा कर लेता है. अब बचा डाइबोरेन. डाइबोरेन हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज इन ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट. तो हमारा जो डाइबोरेन है इसके इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से ये हमारा लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा. हेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स एक्ट्स एज अ लुईस एसिड, डाइबोरेन एक्ट्स एज अ लुईस एसिड. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 BBr3 टू बिहेव एज अ लुईस एसिड डिक्रीज इन द सीक्वेंस. तो लुईस एसिड होते क्या है, लुईस एसिड ऐसे होते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके वो हमारे लुईस एसिड्स कहते हैं. लुईस एसिड्स दो बेसिस पे हम जज कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब अगर कोई एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, उसमें अगर हम और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. दूसरा साइज ऑफ द हैलाइड. हमें पता है जो हमारे हेलोजन होते हैं वो बहुत इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, इजिली एक लोन पेयर एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं. ठीक है, तो जो हमारा साइज जो होता है हैलाइड का वो भी सेम वे में बिहेव करता है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें ब्रोमीन सबसे बड़ा एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन डिसिपिएटेड रहता है बहुत बड़े और एब्सेंस वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं. ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं एंड वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है, तो जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है वो बहुत कम होता है. इसलिए ब्रोमीन हमारा इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा. वहीं फिर हम उसके बाद कंपेयर करें तो क्लोरीन हमारा उससे कम करेगा, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन से कम छोटा मॉलिक्यूल है, लेकिन फ्लोरीन से तो बड़ा है. फ्लोरीन में तो वेकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, फ्लोरीन में ऑलरेडी फ्लोरीन इतना छोटा एटम होता है कि उसके अंदर इतने इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं कि हम उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालें तो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो ही नहीं पाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग देखें जो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा लुईस एसिड का, BBr3 हमारा सबसे ज्यादा लोएस्ट एसिड होगा, उससे कम BCl3 होगा और उससे कम BF3 होगा. ठीक है, ये हमने इसलिए बताया कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सबसे कम लोएस्ट एसिड होगा. ठीक है, और दूसरा हमने साइज के बेसिस पे भी देखा, ब्रोमीन बड़ा एटम है तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और इस मॉलिक्यूल में इजिली इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है,
लोन पर इजिली एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो रहे होते हैं, ठीक है। हेंस आवर ऑप्शन नंबर टू BBr3 लेस देन BCl3 लेस देन BF3, ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन एंड रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नियोप्रीन पॉलीमर। तो हमारा नियोप्रीन पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो हमारा नियोप्रीन पॉलीमर होता है, नियोप्रीन पॉलीमर होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH2 C डबल बॉन्ड CH, CH2 CL एंड ये N यूनिट्स का चेन होता है, ठीक है। एंड नियोप्रीन पॉलीमर हमारा क्लोरोप्रीन से बनता है। क्लोरोप्रीन क्या होता है हमारा? क्लोरोप्रीन इज नथिंग बट टू क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइन, ठीक है। एंड दिस इज अ एडिशनल होमोपॉलीमर, इज अ एडिशनल एडिशन होमोपॉलीमर एंड इसके जो प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर होते हैं, रबर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज। हेंस ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।